ऐसा कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में बताओ जिनको लेते ही पूरे बॉडी में चीटियां दौड़ने लगे। प्री वर्कआउट कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए? एक स्कूप से अगर रिजल्ट ना मिले तो क्या मैं 2-3 स्कूप ले सकता हूँ? कितने दिनों तक यूज़ करूँ? अगर मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ तो क्या मैं प्री वर्कआउट यूज़ कर सकता हूँ? बहुत सारे सवाल है आप लोगों का जो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, साथ ही एक ज़बरदस्त प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आप ही फायदे में रहोगे। इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सी न्यूट्रिशन न्यू एंड इम्प्रूव प्री वर्कआउट 3x कैफीनाइट पंच। इसमें आपको पर सर्विंग में सिट्रलिन मैलेट 2000 mg, बेटा एलानाइन 2000 mg, एल आर्जेनाइन 1500 mg, BCAA जो 2:1:1 के रेशियो में है वो आपको मिलेगा 500 mg, नेचुरल कैफीन 325 mg, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 500 mg एंड विटामिन सी 150 mg। वीडियो के आगे आपको पता चलेगा ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मार्केट में बिकने वाला सभी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से क्यों अलग है। उससे पहले जानते हैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्या होता है और हम लोग इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट कर देते हैं। वर्कआउट के दौरान मसल में पंप एंड वास्कुलरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, आपके स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना भी इंक्रीज करते हैं, राइट? क्या हमें रिकमेंडेड डोजेस से ज़्यादा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी जो डोसेज रिकमेंड किए हैं उससे ज़्यादा एक दिन में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उससे कम आप ले सकते हो। जैसे कि ऑक्सी न्यूट्रिशन का इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की बात करें तो इसमें आपको बताया गया अगर आप पहले बार यूज़ कर रहे हो तो हाफ स्कूप से ही स्टार्ट करो, इससे ही आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपने ज़रूरत के हिसाब से आप डोजेज बढ़ा सकते हो, बट ओवर डोसेज बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है। पहले बार लेते ही आपको पता चल जाएगा इसका खासियत। हाँ, ये पूरे बॉडी में आपको चीटियाँ दौड़ाएगा क्योंकि इसमें मौजूद है बेटा एलानाइन 2000 mg पर सर्विंग में, 325 mg कैफीन जो आपके कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। पंप एंड वास्कुलरिटी के लिए इसमें मौजूद है सिट्रलिन मैलेट 2000 mg, 1500 mg अर्जेनाइन एंड विटामिन सी 150 mg इसमें मौजूद है, जिनसे वर्कआउट के दौरान आपको पंप एंड ब्लड विसल में ज़्यादा ब्लड फ्लो मिलेंगे। ये सब आप इंस्टेंट महसूस कर पाओगे या मिरर में आप देख पाओगे। और भाई लोग, इसमें आपको BCAA 2:1:1 के रेशियो में मिल जाएगा, तो अलग से आपको क्रिएटिन या BCAA लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट डेली यूज़ करना चाहिए? देखिए, ये कोई रेगुलर बेसिस सप्लीमेंट लाइक व्हे प्रोटीन या BCAA तो नहीं है जिसे आप डेली ले सकते हो। यह है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। जिस दिन आप थोड़ा सा वीक महसूस करोगे उस दिन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप यूज़ करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे तो शॉर्ट ड्यूरेशन पे यूज़ करो, मैक्सिमम 2 महीने आप यूज़ कर सकते हो रेगुलरली। उसके बाद आप 1 या 2 महीने की गैप दो, फिर आप दोबारा यूज़ करो, नहीं तो आपके बॉडी हैबिचुअल हो जाएगा, मतलब इसका लत लग जाएगा, फिर आप इसके बिना वर्कआउट नहीं कर पाओगे। और हाँ, डू नॉट कंज्यूम 5 hours बिफोर स्लीप, नहीं तो आपके स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ सकते हैं। क्या ये प्रोडक्ट सही होगा, मतलब क्या ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, वो कैसे पता करें? देखो भाई, इसके लेबल में आपको 3D होलोग्राम दिख जाएगा और साथ ही इसमें QR कोड भी आपको मिलेगा, जिनको आप किसी भी QR कोड स्कैनर से स्कैन करके इसके ऑथेंटिसिटी वगैरह चेक कर सकते हो। दोस्तों, अभी इसका बहुत ही अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं तो आप उसका लाभ ज़रूर उठाना। प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।